नमस्कार दोस्तों, देश के हजारों युवाओं को आज का इंतजार था। आज है 25 अगस्त 2022 और अग्निपथ स्कीम, आर्मी एग्ज़ाम, एयरफोर्स जॉइनिंग पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज के दिन सुनवाई होना तय हुआ था। क्या केंद्र सरकार दिल्ली हाई कोर्ट पर प्रेशर डाल करके ये कार्रवाई को भंग करा सकती है, या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट मिल करके इस कार्रवाई पर एक नया अपडेट ला सकते हैं? युवाओं को लगता होगा, काफ़ी युवाओं के कमेंट भी आ रहे थे कि अब आर्मी एग्ज़ाम, एयरफोर्स जॉइनिंग पर कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं उन युवाओं को एक बात बताना चाहता हूं, यदि युवा शक्ति एकजुट हो जाए तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो असंभव हो। युवा पीढ़ी हर कार्य को संभव कर सकती है। जैसे कि दिल्ली में युवाओं ने अभी से यानी 24 अगस्त से ही अपना अनशन का डेरा डाल दिया है। उधर रविंदर फौजी भाई 10 अगस्त से जयपुर से लेकर के और दिल्ली तक अनशन आंदोलन जारी रखा हुआ है। देश के कई राज्यों से आए युवा ने उस पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। केंद्र सरकार को भी अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमने अग्निपथ स्कीम को लागू करके देश के युवाओं के साथ में एक बड़ा खिलवाड़ किया है, क्योंकि अग्निपथ के तहत कोई भी युवा अभी तक जितने भी भर्ती देखे हैं उन्होंने ये नहीं बोला है कि अग्निपथ स्कीम सबके लिए ठीक है। अग्निपथ स्कीम के तहत न तो युवा अपनी हाइट पूरी कर पा रहे हैं, न तो रनिंग पूरी कर पा रहे हैं। ऐसे में युवा निराश हैं और दुखी भी हैं, और सबसे ज़्यादा दुखी तो वो लोग हैं जिनका आर्मी का एग्जाम हो या फिर एयरफोर्स जॉइनिंग हो जो पेंडिंग में पड़ा हुआ है। आपसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा, यदि वीडियो में कोई भी ऐसी खबर आपको लगता है कि आपके लायक नहीं है तो उसको मुझे कॉमेंट करके आप बता सकते हैं, लेकिन जो भी मैं खबर प्रोवाइड कराता हूं वो है युवाओं के लिए ही होती है। आपको एक बात भी बता दूं कि अब हाई कोर्ट इस पर विचार करेगा भी तो लगभग 12 बजे से इस पर विचार कर सकता है, परंतु अभी तक चाहे वो सरकारी वेबसाइट हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, हाई कोर्ट की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन अलर्ट नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं युवाओं को एक बात का डर भी सता रहा होगा कि हाई कोर्ट अपनी इस कार्रवाई को भंग ना कर दे। अगर इस कार्रवाई को हाई कोर्ट ने भंग कर दिया तो फिर युवाओं का यहां से आस बिल्कुल टूट जाएगी कि अब किसी भी प्रकार से ये केस संभव नहीं हो सकता। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए सही भाइयों को जय हिंद।